नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश के उत्तराखंड स्पेशल में। आज हम बात करेंगे कौर विधानसभा की और जानेंगे कि आखिर इस विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है। चूंकि अब फिलहाल के वक्त में हर तरह की जनसभा, हर तरह की रैली, नुक्कड़ सभा, पदयात्रा, हर चीज पर रोक है, तो ऐसे में डिजिटल माध्यम से प्रचार प्रसार की बात कही गई है। ऐसे में अब हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि हम और बेहतरी से आप तक हर महत्वपूर्ण बात, आपके हक की बात, हर चीज आपको उपलब्ध कराएं। अब ऐसे में जैसा कि हम बीते एक महीने से ज्यादा से हर विधानसभा की जानकारी एक एक कर आपको दे रहे हैं, एक एक कर हर विधानसभा के बारे में बता रहे हैं कि 2017 में विधायक किन दावों और वादे के साथ आए थे और क्या वो आज पूरे हुए, और पूरे 5 साल बाद क्या वो सरकार एक बार फिर रिपीट करेंगी या वो विधायक रिपीट करेंगे। विधायक जी हैं जो उन्होंने वादे किए, जो दावे किए, क्या वो पूरे कर सके, इसको लेकर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज मैं बात करने जा रहा हूं थराली विधानसभा की। थराली विधानसभा के नारायण बगड़ ब्लॉक से मुझे मेरे रिपोर्टर पुष्कर बहुत जल्द कनेक्ट करेंगे, बहुत जल्द वो हमसे जुड़ेंगे और हमको सारी जमीनी सच्चाई बताएंगे। वो हर सच को बताएंगे, वो बताएंगे कि आखिर बीते 5 सालों में इस थराली विधानसभा में क्या वो काम हुए हैं जिनकी बात की जा रही है, क्या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो सच है या झूठे हैं, क्या छोटे छोटे थराली से मिलकर बना उत्तराखंड एक बार फिर बीजेपी सरकार को रिपीट करवाने के इरादे में है, मूड में है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। बहुत ही जल्द हमारे रिपोर्टर नारायण बगड़ ब्लॉक से हमको कनेक्ट करेंगे, हमको हमसे जुड़ेंगे और वो हमको बताएंगे कि आखिर हाल कैसा है। क्योंकि अगर विज्ञापनों की बात करें, अगर इश्तिहारों की बात करें जो अखबारों के फ्रंट पन्नों पर छप रहे हैं, वो फ्रंट पन्ने बिके हुए हैं, उनका दाम लगा हुआ है, इसलिए वहां पर आंकड़े तस्वीर सब गुलाबी है। अखबारों के पहले पन्ने पर छपे आंकड़े तस्वीर सब गुलाबी हैं और ये सारी तस्वीरें सारे आंकड़े झूठे हैं, ये मैं बोल रहा हूं और पूरी ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं। ये देखिए तस्वीरें, देखिए तस्वीरें सब कुछ खुद ब खुद ही बयां करती है। तस्वीरों को किसी भाव की, किसी भंगिमा की, शब्दों की, उच्चारण की, वर्णों की, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये खुद से खुद की हकीकत को दिखाती है। आप सड़क का हाल देखिए, ये वो सड़क है जो 2017 में भी मुद्दा थी और आज जब हम 2022 के मुहाने पर खड़े हैं तब भी ये मुद्दा है। ये देखिए सड़क का हाल देखिए, ये सड़क है नारायणपुर बगड़ में जो ब्लॉक है वहां की सड़क आपको दिखा रहे हैं, ये वहां की सड़कें हैं। ये देखिए संकरा रास्ता देखिए, आप इतना संकरा रास्ता है और जाम की स्थिति देखिए क्यों नहीं लगती होगी, जाम की स्थिति को समझिएगा। तो ये दो तस्वीरें हैं जिनके जरिए आप समझिए कि नारायण बगड़ थराली विधानसभा का जो एक ब्लॉक है वो क्या कुछ कहता है। विधायक हैं मुन्नी देवी जी, मुन्नी जी, तो विधायक जी ने कितना काम किया है कितना नहीं किया है ये तो स्थानीय ज्यादा भरपूर अच्छे ढंग से और स्वस्थ तरीके से बता सकेंगे। बहुत जल्द हम कनेक्ट करेंगे हमारे रिपोर्टर से, पुष्कर नाम है, मैं अपने डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूंगा। पुष्कर जी कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो पुष्कर जी जल्दी हमसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हम थराली विधानसभा के नारायण बगड़ का दर्शन कर रहे हैं। ये नारायण बगड़ का दर्शन करिए
और देखिए कि सरकार जिन वादों के साथ, जिन दावों के साथ आपके दरवाजों पर आती है, क्या आज आपको उन दरवाजों पर कुंडी मारने की आवश्यकता नहीं है? ये पूछिए अपने आप से, पूछिए। और ये भी पूछिए कि जो बातें, जो दावे और जो प्रॉमिसेस किए गए थे, क्या वो थराली विधानसभा में आज पूरे हुए हैं? तो क्या ऐसा हुआ है? इस पर सोचिएगा और सोचिएगा। और इस वक्त मेरे साथ थराली विधानसभा के कुछ निवासी जुड़ गए हैं, इनको जरा लाइव लाइएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप थराली विधानसभा से हैं, नारायण बगड़ से इस वक्त आपको कनेक्ट किया गया है। आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? ये देखिए, ये तस्वीर भी बहुत कुछ बयां करती है। ये तस्वीर दिखाती है कि आज भी उत्तराखंड के अंदर किस कदर इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है। और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या के बीच आप डिजिटल तौर पर चुनाव प्रचार प्रसार कराने की बात करते हैं, तो यह सोचने वाली बात है कि आप डिजिटल तौर पर चुनाव प्रचार प्रसार करने की बात कर रहे हैं और आपकी कनेक्टिविटी है शून्य, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है शून्य, तो आप किस मुंह से यह बात कह सकते हैं कि डिजिटल तरीके से प्रचार प्रसार करिए? यह सीधा एक संदेश है, यह एक डिजिटल चिट्ठी है मेरी निर्वाचन आयोग को कि निर्वाचन आयोग ये देखे कि अगर हम कोशिश भी करें, संपूर्ण कोशिश करें, तब भी कनेक्शन बिल्ड करने में इतनी समस्या आती है। और आप कहते हैं कि डिजिटल प्रचार प्रसार करिए, अब जब इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है तो कैसे होगा? और मैं तो कहता हूं, एक बार फिर करवाइए, एक बार फिर जोड़िए, एक बार फिर से जोड़िए। डायरेक्टर साहब, एक बार फिर से लाइएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, थराली विधानसभा से निवासी हैं आप। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, ठीक है जी, आ रही आवाज। ठीक है, मैं आज ये जानने के लिए आपसे जुड़ा हूं कि थराली विधानसभा में 2017 के चुनावों से पूर्व जो बातें कही गई थी, जो दावे किए गए थे, जो प्रॉमिसेस आपके सामने थाली में परोसे गए थे, क्या वो थाली आज भी उतनी ही सुंदर नजर आ रही है? क्या वो दावे, क्या वो वादे, क्या वो प्रॉमिसेस पूरे हुए? जो जो समस्याएं 2017 में थी, जिनका अंत करने की, जिनका निराकरण करने की बात की गई थी, क्या उन समस्याओं का निराकरण हुआ या वो समस्याएं आज भी जस की तस आपके सामने हंस रही हैं? बताइए। समस्याएं आज भी जैसे पहले थी, वो समस्याएं आज भी लोगों के सामने बनी हुई हैं, चाहे वो रोड से हो, चाहे वो नेटवर्क से हो, चाहे वो रोजगार से हो, चाहे वो अन्य सभी मामलों से। नहीं, कोई नहीं, ठीक है, इनको ऑन एयर रखिए, बोलने दीजिए। ये सबके लिए देखना जरूरी है कि अगर हम कनेक्ट करते भी हैं तो देखिए कनेक्शन कितना मुश्किल है, संवाद करना कितना मुश्किल है, डिजिटल संवाद करना कितना मुश्किल है। और निर्वाचन आयोग कहता है कि डिजिटल रूप से प्रचार प्रसार करिए। जी, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, कोई काटने के हटाने की जरूरत नहीं है। इनको ऑन एयर रखिए और दिखाइए कि कितनी समस्या है, बताइए। नेटवर्क की तमाम समस्याएं आप देख ही होंगे कि जैसे कि अगर ये सरकार डिजिटल प्रचार प्रसार की बात कर रही है और तमाम जगह नेटवर्क नहीं है, ये तो जब हम मार्केट में खड़े हैं और यहाँ पे नेटवर्क है, लेकिन अगर हम आप मार्केट में खड़े हैं तब नेटवर्क आ रहा है, नहीं है आप मार्केट में खड़े हैं तब नेटवर्क आ रहा है। अगर जी जी, अगर हम ये फोन लेके अपना गाँव में जाते हैं तो वहाँ पे तो नेटवर्क की ये सुविधा भी उपलब्ध नहीं है,
और रही बात जैसे तमाम जैसे रोडों के हालात देख ही होंगे कि यहाँ पे रोडों के हालात कैसे बने हुए हैं, रोड जो 5 साल पहले थे वो रोड आज भी जैसे कि तैसे, तमाम काम चल रहे हैं। भाई जी एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। भाई जी मुझको ये बताइए कि अगर सरकार कोई योजना लेकर आती है, सरकार कोई लाभ देने की आपको कोशिश करती है, सरकार की कोई स्कीम आती है या सरकार ने कैसा कामकाज किया, ये आप सब कुछ कहां से समझ पाते हैं, कैसे समझते हैं या आपको कैसे मिलता है? जब आप कह रहे हैं कि जब आप बाजार में जा रहे हैं तब नेटवर्क आ रहा है, तो आपको फिर ये बातें कैसे पता लगती हैं? नहीं, यहाँ पे तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से, घर में टीवी के माध्यम से, जैसे ही ऑनलाइन वाली बात हो रही तो तमाम नेटवर्क की तो बहुत असुविधा है, यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल संभव नहीं हो पाता कि हर जगह नेटवर्क ही काम करे। जैसे बाजारों में आ गया तो देख लेते हैं फोन के माध्यम से कि यहाँ पे बाजार में, अब जब गाँव में जाएंगे हम तो ये फोन वैसे ही काम, नेटवर्क काम करना ही बंद कर देता है। और लाइट सबसे बड़ी कठिनाई हो जाती है, लाइट यहाँ पे जो लाइट की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे विभागीय कर्मचारी हो या चाहे ठेकेदार हो, तो तमाम अगर बरसातों में लाइट चली जाए या आजकल ही लाइट चली जाती है तो 4-5 दिन तक कोई उसको पूछने वाला नहीं होता है भाई जी, तो बहुत भाई जी माने ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी जी भाई जी मुझको ये बताइएगा कि आप दूसरे वाले जो भाई जी उनके पास भी आ रहा हूँ, कुछ ही सेकंड के बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि एक बार कांग्रेस को दिया, एक बार बीजेपी को दिया, दिल नहीं दिया वोट दिया, एक बार कांग्रेस को दिया, एक बार बीजेपी को दिया, एक बार कांग्रेस को दिया, एक बार बीजेपी को दिया। आपको पता है इस बार आम आदमी पार्टी भी है खेल में, इस बार खेल में आम आदमी पार्टी, दिल्ली वाली आम आदमी पार्टी भी है, कुछ जानते हैं उसके बारे में? आम आदमी पार्टी सर, दिल्ली की भौगोलिक स्थिति और पहाड़ की भौगोलिक स्थिति में काफी अंतर है, जमीन और आसमान का फर्क है। हमारे चमोली और उत्तरकाशी की जितनी जो एरिया है वही हमारा दिल्ली का एरिया, उतने में ही कवर हो जाता है। तो दिल्ली में काम करने बहुत आसान है आम आदमी पार्टी को, लेकिन यहाँ पे पहाड़ों की अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का यहाँ पे ना ही कोई जनाधार है और ना यहाँ पे आज तक आम आदमी पार्टी को कोई इतना जानता है। तो हाँ, एक आज चीज जैसे तराई क्षेत्रों में, लेकिन लेकिन भाई जी 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल जाएगी, 300 यूनिट बाजार में जाते हैं ना तो बताता है ना कि हाँ ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये शर्ट मिल रही है। तो ऐसे ही आपको पता है अरविंद केजरीवाल साहब, कर्नल कच्चे कोठियाल साहब कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, 300 यूनिट की बात है। हमारे गांव में 300 यूनिट बात नहीं मिली थी, लेकिन गढ़वाल के गाँव में किसी भी गाँव में कोई भी किसी भी परिवार से 100 यूनिट से ऊपर तो महीने का जाता ही नहीं होगा, 300 यूनिट तो बहुत दूर रहेगी आपको। और अगर कोई एक बार बिजली खर्च करना भी चाहे तो उतना तो बिजली पर्याप्त रहती नहीं यहाँ पे, महीनों में 10 दिन बिजली रहेगी, 20 दिन बिजली नहीं रहेगी, 300 यूनिट कहाँ से मिल जाएगा? अभी केजरीवाल हो चाहे हमारे कोई भी कैंडिडेट हो, यहाँ पे हमारे खराड़ी विधानसभा से बुद्धिलाल है, बुद्धिलाल ने कभी किसी गाँव में जाके देखा है कि इन गाँव में पर्याप्त बिजली रहती है या नहीं रहती है? 50 यूनिट तो पर्याप्त हो नहीं पा रही, 300 यूनिट फ्री दे देंगे, कहाँ से दे देंगे? अरे विश्वास कर लीजिए, एक बार विश्वास कर लीजिए कर्नल अजय कोटियाल पर, ऐसा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे। सर विश्वास तो सर यार विश्वास यहाँ पे यहाँ के लोगों ने यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी की यूकेडी पे भी किया था, लेकिन यूकेडी ने भी एक सीट ले जाके दूसरी सत्ता पार्टी के साथ बड़ा होके उन्होंने भी क्या कुछ कर लिया था। मेरा सैल्यूट है आपको, मेरा सैल्यूट है आपको, आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, मेरा बड़ा सैल्यूट है आपको, आपने बड़ी अच्छी बात कही, आप जागरूक नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इन पर भी विश्वास कर लिया, ठीक है। दूसरे भाई और हमारे साथ हैं, आप नाम बता दीजिएगा जरा अपना। मेरा नाम नरेंद्र सिंह और है, मैं नरेंद्र सिंह विधानसभा से हूँ जी। नरेंद्र जी आप क्या करते हैं? नरेंद्र सिंह ऐसा है, मैं एक छोटा मोटा व्यवसायी हूँ और हम समाज के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, व्यवसायी कैसे हैं, खुश हैं कि ना खुश हैं? पूर्व में मैं पंचायतों में प्रतिनिधित्व भी मैंने किया है। अच्छा, मतलब व्यवसायी भी हैं और नेता भी हैं और समाज से भी तो फिर हैं ही हैं। ठीक है,
तो कैसे हैं, खुश हैं कि नाखुश हैं सरकार की नीतियों से? देखिए, एक व्यवसायी अगर अपने मन की बात कहना भी चाहे तो व्यवसायी फ्रीज हो जाता है। देखिए, ये अटक गए। हेलो, ये मोदी जी को अगर ये भेज सके तो एक क्लिपिंग जरूर भेजिएगा कि मन की बात अगर वो करते हैं तो बिल्कुल 100% शुद्ध आवाज आती है, लेकिन हमारे उत्तराखंड के हमारे साथी हमसे जो जुड़े हुए हैं वो अगर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी अटक रही है, स्क्रीन अटक रही है, आपको पता है नरेंद्र जी? लीजिए, ये लीजिए, नरेंद्र जी की स्क्रीन काली हो गई। चलिए, नहीं नहीं हटाइए, नहीं हटाइए, नहीं रहने दीजिए, रहने दीजिए, स्क्रीन पर रखिए, स्क्रीन पर रखिए, ये दिखाइए कि अगर हम बातचीत करने की कोशिश भी करें तो ये देखिए। नहीं नहीं रखिए, स्क्रीन पर रखिए, ये देखिए, ये बीच में जो ये दिख रहा है ना आपको, ये नरेंद्र जी मुझे कुछ बताने जा रहे थे लेकिन उससे पहले ही कनेक्शन चला गया, और भाई जी दूसरे वाले बता रहे हैं कि बाजार में आए हैं इसलिए बात कर पा रहे हैं, अगर बाजार में ना होते तो आप भी बात नहीं कर पाते, सही कह रहा हूं? बहुत सही सर, यही यहाँ की स्थिति है। मुख्यमंत्री आए हैं कभी आपके इलाके में? सर मुख्यमंत्री तो आए हैं लेकिन ऊपरी ऊपर आए हैं, अगर कभी रोड से चल रोड। अब मैं बताता हूँ, इन्होंने जो ऊपरी ऊपरी बोला उसकी सत्य बताता हूँ, अब बताता हूँ आपने जो बोला ऊपरी ऊपरी मुख्यमंत्री आए, अब बताता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री आए हैं, ऊपर ऊपर मतलब नेता लोग बड़े लोगों से मिलजुल कर चले गए, आपसे नहीं मिले हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, मुझसे मिलने की बात नहीं, जमीन अगर भाई रोड वो जाते तो नहीं, रोड की हकीकत पता होती कि भाई 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 जो सर जितना हम पैसा लगाते हैं उतना इस पे लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है? चलिए ठीक है भाई जी, एक बार नरेंद्र भाई एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र जी, जी हाँ, नरेंद्र जी मैं ये कह रहा था कि व्यवसाय कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है सरकार के शासन में कि ठीक नहीं चल रहा है? देखिए सर, इस समय ऐसी स्थितियां हैं व्यवसायिक और तमाम हमारे छोटे तबके के जो व्यवसायिक लोग हैं वो पूर्ण रूप से धराशायी हैं। सरकार द्वारा जो पटल पर सरकार एक तरफ कहती है कि हम सबके साथ और सबका विकास और छोटे व्यापारियों को लेकर के भी बहुत चिंतित हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह सरकार छोटे व्यवसायों के लेकर के चिंतित है, क्योंकि इस समय जो छोटे व्यापारी की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है, और मैं समझता हूँ यह सरकार किसी छोटे व्यापारी के बारे में नहीं सोचती है, यह एक बड़े ऊंचे व्यवसायियों के बारे में सोचती है, ये मेरा अपना मानना है। ठीक है, लेकिन नरेंद्र जी ये बताइए, आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपने कांग्रेस भी देखी, बीजेपी भी देखी, पूरी पूरी देखी, और दोनों के शासन के दौरान आपने अपना जो जो व्यवसाय है वो किया होगा। कौन सी सरकार ज्यादा ठीक रही? कांग्रेस ठीक रही? हमारा ये मानना है, देखिए जो देखिए कांग्रेस के समय में तमाम जो कांग्रेस की जो योजनाएं थी, निश्चित रूप से मैं समझता हूं वो आम जन तक जो नीचे तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों के लिए भी कांग्रेस ने समय समय पर बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई हैं, जिससे कि आम आदमी की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने का जो प्रयास हुआ है, मेरा अपना ये मानना है। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। हमारे दूसरे भाई जी भी हैं हमारे साथ, और इससे पहले आपके पास दोबारा एक बार चलता हूँ। अब ये बताइए, आप कांग्रेस ने ठीक है काम किया है, बढ़िया काम किया, लेकिन कांग्रेस में आजकल खबरें आ रही हैं कि दो गुट बन गए, एक हरीश रावत जी वाला गुट है, एक प्रीतम सिंह वाला गुट है। आपको कौन ज़्यादा पसंद है, प्रीतम सिंह पसंद है कि हरीश रावत पसंद है? देखिए सर, हम गुट के बारे में नहीं करना चाहेंगे, देखिए हमें कार्यक्रम की संरचना को समझिए। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ मोटा मोटी तौर पर कि कांग्रेस में कौन नेता मुख्यमंत्री बन सकता है, लोग किसे पसंद कर रहे हैं सबसे छोटे लेवल पे, स्थानीय लेवल पे, जमीन पर, तो हरीश रावत ज्यादा पसंदीदा है या फिर दूसरा कोई?
देखिए निश्चित रूप से मेरा अपना ये मानना है कि जो हमारे इस सभा चुनाव समिति के अध्यक्ष माननीय हरीश रावत जी हैं वो निश्चित रूप से इस प्रदेश की जो युवाओं की पहली पसंद के रूप में हैं और उन्होंने उनके पास एक हमारे चुनाव के अध्यक्ष निश्चित रूप से प्रदेश के विकास करने के लिए मैं समझता हूं। आप कांग्रेस के नेता है क्या? आपने कहा कि हमारे चुनाव के अध्यक्ष, चुनाव कैंपेनिंग के अध्यक्ष। निश्चित रूप से मैं पहले कांग्रेस से जुड़ा होता है और कांग्रेस विचारधारा से भी मैं हूँ और तो मेरा अपना जो मानना है विचारधारा का। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक लाइन बोली, सुनते जाइएगा, अभी काटिएगा नहीं, सुनते जाइएगा। नरेंद्र जी भी है, दूसरे भाई जी भी है। नरेंद्र जी ने बड़ी खूबसूरत बात बोली है, जाते जाते इस पर थोड़ी सी ज्ञान वर्षा करके चलते हैं। आपने कहा कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हूँ। ये विचारधारा का झंडा लगाकर आजकल हर पार्टी घूम रही है, लेकिन ये झंडा दरअसल समझ में नहीं आता। नेता सुबह उठता है, चाय की प्याली पीता है और चाय की प्याली पीते पीते ही विचारधारा बदल देता है। आजकल कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, ये विचारधारा में जो परिवर्तन होता है ये इतनी जल्दी हो जाता है। विचारधारा पहले के समय में हुआ करती थी, राष्ट्रवाद विचारधारा, अंबेडकर थे, अंबेडकर समाज को बदल दिया उन्होंने, भगत सिंह थे, देश के लिए लड़ गए, पूरे देश को बचा दिया, क्या हिंदू मुस्लिम पूरे देश को निकाल रहा है। तो ऐसे लोगों की बात होनी चाहिए। आजकल विचारधारा के नाम पर मुझे नहीं लगता लॉलीपॉप के अलावा और कुछ है भी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम थराली विधानसभा की बात कर रहे थे, थराली विधानसभा से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर थराली विधानसभा का हालचाल क्या है। हालचाल उतना दुरुस्त नहीं है जितना हम और आप ऊपरी ऊपरी तस्वीरें जब देखते हैं तो सोचते हैं। आप बस इस बात को समझिए कि जब हम कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो कनेक्टिविटी कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और साथ ही साथ जैसा कि हमारे दूसरे भाई ने बताया था कि उनको बाजारों तक जाना पड़ता है ताकि वो फोन में अपने कोई नेटवर्क यूज कर सकें। ये बहुत गंभीर मसले हैं, बहुत गंभीर बातें हैं। इनको छोटे शब्दों में या एक आधे घंटे के कार्यक्रम के माध्यम से बयां करना काफ़ी मुश्किलात में होगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।